हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग में हम आए हैं जलंधर के नाखावली बाग में। इसको नाशपाती वाली बाग बोला जाता है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाऊंगा, इस बाग में सिर्फ और सिर्फ नाशपाती बीजे जाते हैं। और यहाँ पर हर साल मतलब हर सीज़न में यहाँ पे नाशपाती की खेती होती है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, बहुत ही अच्छी जगह है। आपको दिखा, आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे है ये सभी नाशपाती हैं। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर है ये देखने में। ये बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, ये सभी पेड़ों पर ऑलमोस्ट खाली नाशपाती है। और आज यहाँ पर नाशपाती की तुड़ाई चल रही है, क्योंकि अभी नाशपाती बारिश की वजह से पक चुका है यहाँ पे, तो इसको तोड़कर अभी ये मार्केट के लिए जाएगा यहाँ से। और ये जो नाशपाती की बागानी है ये हमारे घर के पास में बिल्कुल, तो आपको दिखाऊँगा मैं, बहुत ही सुंदर जगह ये। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर नाशपाती, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, बहुत ही सुंदर है। और ये काफ़ी मीठे होते हैं यहाँ पर। और वीडियो में जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में यह नाशपाती की तुड़ाई चल रही है अभी बागान में। यहाँ पे लोग यहाँ पे तोड़ रहे हैं इसको, और ये अभी ये मंडी के लिए जाएगी। बहुत ही सुंदर बागान है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे फल है। ये बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ नाशपाती की ही बागानी करी जाती है। और ये हमारे भाई लोग हैं जो अभी यहाँ पर तुड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते, बहुत ये सर नाशपाती होते ना यहाँ पे। हाँ। कैसा बढ़िया है यहाँ पे, हर साल होता है? हर साल होता है, हर साल होता है, बढ़िया होता है ये। अभी ये खत्म तो तोड़ के जा रहा है अभी ये। हाँ। पक चुका ना पूरा ये। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाशपाती की खेती में सिर्फ नाशपाती ही मतलब यहाँ पे बागानी करी जाती है, और यहाँ पे हर साल करी जाती है। और बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, जब ऑलमोस्ट पक जाता है ये उसकी तुड़ाई होती है। और बेसिकली ये है कि नाशपाती की जो खेती करी जाती है जलंधर में, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसकी उपज होती है। और जलंधर में सबसे ज़्यादा खेती जो होती है नाशपाती की होती है यहाँ पे। और ये जो एरिया है ये है न्यू गीता कॉलोनी के पास में है, जो कि पड़ जाता है अपने ये वडाला चौक के पास, जलंधर सिटी में आके आप यहाँ पर आ सकते हैं, ये बिल्कुल पास में पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाशपाती है, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कुछ इस तरीके से। दोस्तों बहुत ही सुंदर यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, ताज़े फलों का आनंद लेने के लिए आपको आप यहाँ पे आ सकते हैं। और बिल्कुल अच्छा है यहाँ पे, फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स हैं यहाँ पे। लाइक आपको पता ही होता है कि जब फ्रूट्स जो फ्रेश होते हैं वो पेड़ से तुरंत तोड़ने पर ही फ्रेश होते हैं, और बहुत ही अच्छे होते हैं, खाने में बहुत स्वाद होते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आप यहाँ पर इस जगह का देखना चाहते हैं, जगह को तो जगह कैसी है, तो काफ़ी बड़ी बड़े एरिया में जगह है ये, छोटी एरिया में नहीं है, बहुत ही बड़े एरिया में जगह है ये। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हर जगह चारों ओर है ये नाशपाती ही नाशपाती है। आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके, आप देखिए ये चारों ओर जो है ये नाशपाती ही नाशपाती है दोस्तों। और यहाँ पर नाशपाती के अलावा किसी और चीज़ की बागानी नहीं करी गई है, सिर्फ और सिर्फ नाशपाती यहाँ पर है। और ये जो नाशपाती यहाँ के जो ओनर हैं वो पंजाब से ही है मेन, और जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, और यूपी के लोग यहाँ पर देख रेख करते हैं इसके। अभी तो जिससे मेरी बात ही है वो तो बता रहे थे कि सभी लोग यूपी से हैं और वही देख रेख करते हैं, और इसको देख रेख से लेकर तोड़ने तक का सभी काम वही लोग करते हैं, और यहाँ तक कि तोड़कर मंडी तक पहुँचाने का काम भी वही लोग करते हैं। जलंधर में नाशपाती की बागानी होती है, इसलिए नाशपाती आपको जलंधर बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगी। हमें तो चलो पास से पड़ता है, हम तो वैसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं नाशपाती की बागानी, देख सकते हैं आप दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि नाशपाती काफ़ी टाइम से यहाँ पे पड़ी होती है, तो ये यहाँ पर टूट के सड़ भी जाते हैं कुछ पेड़। अभी आंधी तूफान आने की वजह से आपको आपने जैसा देखा होगा न्यूज़ में कि पंजाब में जो अभी माहौल चल रहा है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आंधी तूफान आते हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ वगैरह यहाँ पे कुछ गिर चुके हैं। पेड़ गिरने की वजह से जो पेड़ है ये इसका जो फल है ये प्रॉपर पूरा टोटली ख़राब हो चुका हो। अगर टाइम पर इसकी तुड़ाई हो गई होती तो मे बी ये चलो इसका बचाव हो सकता था। और ऐसे बहुत से पेड़ हैं इस मतलब बगीचे में जो आंधी तूफान से गिर कर ख़राब हो चुके हैं, और जिसकी वजह से
फल का जो है नुकसान हो चुका है, बट फिर भी अभी चलो टाइम रहते हुए अभी तोड़ रहे हैं। अभी अभी यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश का माहौल तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चलो माहौल कुछ पता नहीं है बारिश कब आ जाए, तूफान कब आ जाए, आंधी कब आ जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम से इसको तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद ये मंडी में भेज दी जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत से खेतों में नुकसान हुआ है, और खेतों में फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और आप देख सकते हैं अभी आप, जैसे आपको मैंने बताया कि पेड़ यहाँ पे गिरे से फलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों ऐसे ही है, और चल रहा है यहाँ पे तुड़ाई का काम। आज आप देख सकते हैं बिल्कुल येलो येलो कलर का हो चुका है, पक्के ये और बेहद ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे देखने में। देखिए दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ मैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।